सो हेलो गाइस, कैसे हो सब लोग। सो गाइस देखो, आप लोगों ने तो वन टैप हेडशॉट टिप्स एंड ट्रिक्स के ऊपर बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, बट गाइस देखो आज का ये जो मेरा वीडियो होने वाला है ना, उन सब वीडियो से बहुत ही ज्यादा अलग और स्पेशल होने वाला है। क्योंकि गाइस देखो, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बोलूंगा आप लोग हर एक पोजिशन में कैसे वन टैप दे सकते हो, और अगर एनिमी शॉर्ट रेंज में तो तब गाइस आप लोग उसको कैसे वन टैप देना है, और अगर कोई एनिमी लॉन्ग रेंज में तो गाइस आप लोग उसको कैसे वन टैप मारना है, सब कुछ मैं आप लोगों को बता दूंगा। इसके साथ गाइस मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा गाइस आप लोगों को हर एक सिचुएशन में कैसे वन टैप देना है। अब गाइस देखो, 1v1 अगर आप लोग कस्टम खेल लो तो गाइस वन टैप हेडशॉट का अलग टिप्स एंड ट्रिक्स है। अगर गाइस आप लोग सीएस रैंक खेल लो, 4v4 कस्टम खेल लो, तो गाइस आप लोगों को अलग टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करना पड़ेगा। क्योंकि गाइस देखो, 1v1 अगर आप लोग खेल लो कस्टम, तो गाइस देखो अनलिमिटेड ग्लू होता है, और उसमें गाइस वन टैप मारने का जो टेक्निक होता है वो अलग होता है। और गाइस देखो, अगर आप लोग सीएस रैंक खेल लो ना, तो गाइस देखो लिमिटेड ग्लू वाले आप लोग गाइस ज्यादा मूवमेंट नहीं कर पाओगे, आप लोग को एक्यूरेसी के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। तो तब गाइस वन टैप हेडशॉट मारने का अलग टिप्स एंड ट्रिक्स है। और गाइस टोटल में आप लोग इस वीडियो में ओवरऑल मैं आप लोगों को सब कुछ बता दूंगा कि आप लोगों को हर एक सिचुएशन में कैसे वन टैप देना है। और उसके साथ गाइस देखो, अभी तो रिसेंटली OP37 का अपडेट आया है, और अपडेट आने के बाद लिटरली हर एक बंदे का गाइस वन टैप हेडशॉट लग ही नहीं रहा है। मतलब देखो, अपडेट के बाद यही दिक्कत होता है कि सभी का वन टैप नहीं लगता, जो पहले अच्छे वन टैप दे पाते थे बट अपडेट के बाद उनका वन टैप हेडशॉट नहीं लगता है। तो गाइस उसका भी मैं आप लोगों को ट्रिक बताऊंगा। मतलब ओवरऑल बहुत ही ज्यादा ओपी वीडियो होने वाला है, तो गाइस फटाफट वीडियो को लाइक कर दो। गाइस आज की इस वीडियो का लाइक हम रखते हैं 6000 लाइक, 6k लाइक गाइस जरूर से करा देना यार, क्या कर रहे हो गाइस, फटाफट लाइक कर दो। और गाइस देखो, अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू आ रहे हो ना, तो गाइस फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर से ऑन कर देना। सो गाइस देखो, जो फर्स्ट नंबर ट्रिक है वो है देखो, हर एक अपडेट के बाद गाइस हमारे गेम के अंदर जो सेंसिटिविटी होता है, मतलब गेम सेंसिटिविटी होता है ना, उसको फ्री फायर वाले बढ़ा देते हैं। तो गाइस सबसे पहले आपको उसको कम कर देना है, और सबसे पहले गाइस मैं आप लोगों को बेसिक टिप्स बताऊंगा, उसके बाद गाइस मैं आप लोगों को एडवांस टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा। तो गाइस सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं आप लोगों को गेम सेटिंग क्या रखना है। गाइस देखो, मैं आप लोगों को स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं, यही आप लोग रख लो। आप लोग गाइस अपना जनरल को 97 कर लो, और गाइस आपका जो रेड डॉट है उसको गाइस आप लोग 99 कर लो, और बाकी सब कुछ 100 ही रहेगा। तो ये तो बेसिक सेटिंग था जो कि गाइस आप लोग कर लेना, इससे गाइस आपका जो सेंसिटिविटी है वो मतलब अपडेट के बाद तो बढ़ गया है ना, तो इसीलिए आपका वन टैप हेडशॉट नहीं लग रहा। तो गाइस आप लोगों को थोड़ा इसको कम कर देना, जैसे कि मैंने पहले बोल दिया। और हां गाइस देखो, और एक चीज भी वन टैप हेडशॉट मारने के लिए बहुत ही ज्यादा मैटर करता है, वो है गाइस आपका फायर बटन का साइज। देखो गाइस, आप लोगों को 47 रखना है गाइस, आपको अपना फायर बटन का साइज को 47 रखना है, और गाइस जितना हो सके गाइस आप लोगों को थोड़ा सा नीचे रखना, ताकि गाइस आप लोगों को ड्रैग करने का स्पेस मिले। सो गाइस देखो, ये तो हो गया बेसिक ट्रिक्स। अब गाइस आते हैं एडवांस टिप्स एंड ट्रिक्स के ऊपर, जो कि गाइस आप लोगों को फॉलो करना है, ताकि गाइस आप लोगों का इजीली वन टैप लेगा। बट उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। सो गाइस देखो, जो सेकंड नंबर ट्रिक है वो है अंडर द फीट वन टैप हेडशॉट। अब गाइस देखो, इस ट्रिक में आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को जो अपना एम है ना, वो गाइस आप लोगों को नीचे रखना पड़ेगा, एनिमी के नीचे रखना पड़ेगा, और आपको ध्यान देना है आपका एम गाइस वाइट होना चाहिए। और फिर गाइस जब भी आप लोग ड्रैग करोगे ना, तो गाइस आपका ऑटोमेटिक हेडशॉट लग जाएगा। और गाइस देखो, ये ट्रिक बाहर के बहुत सारे प्लेयर यूज करते हैं, और गाइस देखो ये ट्रिक गाइस आप लोगों को हर एक सिचुएशन में वर्क नहीं करेगा। गाइस देखो, अगर आप लोग 1v1 कस्टम खेल रहे हो, तब गाइस ये ट्रिक बहुत ही ज्यादा आपको हेल्प करता है, क्योंकि तो आप लोग मूवमेंट में रहते हो, और मूवमेंट में गाइस आप लोग कैसे ये ट्रिक को परफॉर्म करना है गाइस मैं आप लोगों को बता देता हूं। आप लोगों गाइस सबसे पहले भागना है, और भागते हुए गाइस आप लोगों को सिंपली जंप करना है, और गाइस जब भी आप लोग जंप करोगे गाइस, आपका जो एम है वो आप लोगों को नीचे रखना है, और ध्यान रहे आपका एम वाइट होना चाहिए, उसी टाइम में आप लोग ड्रैग कर देना, आपका हेडशॉट लग जाएगा। और देखो गाइस, मैं आप लोगों को बैकग्राउंड में भी दिखा रहा हूं, आप लोग देख के समझ ही पा रहे हो कैसे आप लोगों को खेलना है। और ये ट्रिक गाइस सबसे ज्यादा 1v1 में यूज होता है गाइस, अगर आप लोग फ्री स्टाइल खेल रहे हो ना, तो यार ये वन ऑफ द बेस्ट ट्रिक है गाइस, आपका वन टैप हेडशॉट लगेगा ही लगेगा। इसके बाद गाइस देखो, जो थर्ड नंबर ट्रिक है वन टैप हेडशॉट मारने का, वो गाइस मैं आप लोगों को बता देता हूं। और ये ट्रिक गाइस सबसे ज्यादा यूज होता है आपका सीएस रैंक में, बहुत ज्यादा यूज होता है। 4v4 कस्टम अगर आप लोग खेल रहे हो किसी तगड़े स्क्वाड के सामने, तो गाइस ये ट्रिक को यूज करके गाइस आप लोग उन चारों को ही मार दोगे वन टैप देके, और फुल मैप में भी ये ट्रिक यूज होता है। अब ये ट्रिक क्या है गाइस मैं आप लोगों को बता देता हूं। अब ये ट्रिक गाइस टोटली उल्टा है, जो कि गाइस मैंने आप लोगों को सेकंड नंबर ट्रिक में बोला था अंडर द फीट हेडशॉट, उससे गाइस पूरा टोटली उल्टा है उसका। देखो गाइस, इस ट्रिक में आपको अपना जो एम है ना, वो गाइस एनिमी के हेड के पास रखना है, या फिर एनिमी के हेड के ऊपर रखना है, और गाइस ध्यान रहे आपका एम गाइस रेड होना चाहिए, या रेड आपका एम होना चाहिए। और फिर गाइस जब भी आप लोग ड्रैग करोगे गाइस, आप लोगों का वन टैप हेडशॉट लग जाएगा। और ये ट्रिक गाइस पीसी प्लेयर्स यूज करते हैं गाइस, आप लोग किसी भी पीसी प्लेयर का गेम प्ले ऑब्जर्व करना, वो लोग क्या करते हैं, उनका जो एम है वो गाइस एनिमी के हेड के ऊपर रखते हैं, या फिर एनिमी के हेड के एकदम साइड में रखते हैं, और उनका एम में देखना रेड होता है, और वो जब ड्रैग करते हैं उनका इजीली वन टैप हेडशॉट लग जाता है। और ये ट्रिक गाइस कोई भी बंदा लॉन्ग रेंज में है ना, तो गाइस बहुत ही ज्यादा मतलब आप लोग इजीली मतलब वन टैप हेडशॉट दे पाओगे, आप गाइस अपने टीममेट को बोल बोल के वन टैप हेडशॉट दे पाओगे, अगर गाइस आप लोग ये ट्रिक में मास्टर हो गए तो। सिर्फ गाइस आप लोग मेन इस चीज में क्या करना पड़ेगा, आपका जो एम है ना वो गाइस आप लोग को अच्छा रखना पड़ेगा। इस ट्रिक में गाइस सबसे ज्यादा मैटर आपका एम ही करता है गाइस, अगर आपका एम अच्छा हुआ ना, तो गाइस
आप लोग बोल बोल के वन टैप दे पाओगे तो बहुत ही ज्यादा एक अच्छा ट्रिक है गाइस, आप लोग जरूर से यूज करना। सो गाइस देखो मैंने आप लोगों को बोल दिया अगर आप लोग 1v1 कस्टम खेल रहे हो तो तब गाइस आप लोगों को कैसे वन टैप मारना है, अगर गाइस आप लोग सीएस रैंक खेल रहे हो या फिर 4v4 लिमिटेड कस्टम खेल रहे हो तो तब गाइस आप लोगों को कैसे वन टैप मारना है, गाइस सब कुछ मैंने आप लोगों को बता दिया है। और गाइस देखो अभी जो फोर्थ नंबर ट्रिक है ना ये गाइस ऑलराउंडर ट्रिक है, मतलब आप लोग ये ट्रिक को यूज करिए गाइस आप लोग किसी भी सिचुएशन में बंदे को वन टैप हेडशॉट दे पाओगे। और गाइस देखो इस ट्रिक का नाम है गाइस रोटेशन ड्रैग टेक्निक। अब गाइस रुको रुको मुझे पता है आप में से मैक्सिमम बंदे को रोटेशन ड्रैग ट्रिक मालूम है, बट गाइस फिर भी गाइस आप लोग कुछ ऐसी गलती करते हो जिसके वजह से गाइस आपका वन टैप हेडशॉट नहीं लगता है। तो गाइस देखो जब भी गाइस आप लोग रोटेशन ड्रैग कर रहे हो ना आप लोगों का अपना जो एम है वो गाइस एनिमी से थोड़ा दूर रखना है, जैसे गाइस मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं, आप लोग गाइस अपना जो एम है एनिमी से दूर रखना है, फिर गाइस आपका एम वाइट होगा ना उसी टाइम ही गाइस आप लोग ड्रैग कर देना, ऑटोमेटिक वन टैप हेडशॉट लग जाएगा। और गाइस देखो जब भी आप लोग ड्रैग करो ना तो गाइस आपको अपना फायर बटन को पहले नीचे लाना है फिर गाइस आप लोग ऊपर ड्रैग कर देना है, तो गाइस जब भी आप लोग ऐसा करोगे तो वन टैप हेडशॉट लग जाएगा। बट गाइस आप लोगों को ध्यान यही रखना है गाइस आप लोगों को जो अपना एम है वो गाइस एनिमी से दूर रखना है थोड़ा, और आपका एम गाइस वाइट रखना है, फिर गाइस जब भी आप लोग ड्रैग हेडशॉट दोगे मतलब रोटेशन ड्रैग हेडशॉट दोगे आपका गाइस हर एक गोली हेड लगेगा। सो गाइस देखो जो फिफ्थ नंबर ट्रिक है वन टैप हेडशॉट देने का और ये गाइस अपडेट के बाद आप सभी लोगों को बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा, वो है गाइस आप लोगों को क्या करना है रीलोड करके गाइस आप लोगों को फायर करना है, गाइस सिंपली गाइस आप लोगों को एक गोली मारना है फिर गाइस आप लोगों को रीलोड करना है वो गन, फिर से गाइस आप लोगों को और एक गोली फायर करना है, तो गाइस आप लोगों को रीलोड कर करके मारना है। और ये चीज गाइस आप लोग गुड पेकर से अच्छा कर सकते हो, डेजर्ट ईगल से कर सकते हो, M1887 से अच्छा कर सकते हो, M10 से करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है क्योंकि गाइस M10 में रेंज नहीं है ना, तो आप लोग जब भी M10 लेके खेल रहे हो तो गाइस आप लोग फ्री स्टाइल खेलो, बट गाइस अगर आप लोग M1887 वुड पेकर या फिर डेजर्ट ईगल से खेल रहे हो तो तब गाइस आप लोग ये ट्रिक को यूज कर सकते हो। गाइस देखो जो सिक्स नंबर ट्रिक है वो है गाइस देखो मैं आप लोग कुछ ऐसे कैरेक्टर कॉम्बिनेशन बता दे रहा हूँ जो कि गाइस आप लोगों को वन टैप हेडशॉट मारने में बहुत ही ज्यादा गाइस आप लोगों को हेल्प करेंगे। सबसे पहले गाइस आप लोगों को दशा कैरेक्टर लेना है, फिर गाइस आप लोगों को डीवी कैरेक्टर लेना है, और गाइस उसके साथ गाइस आप लोगों को लौड़ा कैरेक्टर लेना है। और गाइस देखो अभी जो सेवन नंबर ट्रिक है ना ये गाइस मेरा पर्सनल फेवरेट ट्रिक है यार, ये ट्रिक मेरे को बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है और गाइस मैं ये हमेशा फॉलो करता हूँ। और गाइस देखो ये ट्रिक का नाम है गाइस फर्स्ट फायर ट्रिक। देखो गाइस आप लोगों को क्या करना है, आप लोग सिंपली लॉन्ग रेंज में या फिर मिड रेंज में गाइस आप लोगों को नू वॉक करना है, और गाइस देखो जब भी आप लोग नू वॉक करोगे तो गाइस सामने वाला एनिमी आपको मारने का ट्राई करेगा, तो गाइस जब भी आप लोग नू वॉक करोगे तो उसका एम गाइस आपके ऊपर नहीं लगेगा, और वो जब फर्स्ट फायर देगा आपको आपको गाइस सिंपली वन टैप देकर उसको मार देना है। जैसे गाइस मैं बैकग्राउंड में दिखा रहा हूं गाइस मैं नू वॉक कर रहा हूं और सामने वाला एनिमी गाइस मैं नू वॉक कर रहा हूं वो मेरे को मार नहीं पा रहा है, बट उसका जब फर्स्ट फायर दे रहा है वो जब पहला गोली चला रहा है तो वो तो सीधा खड़ा है ना, उसी टाइम में गाइस मैं उसको फायर करके मार दे रहा हूं। और ये ट्रिक यार बहुत सारे पीसी प्लेयर बहुत सारे तगड़े मोबाइल प्लेयर यूज करते हैं, तो गाइस अगर आप लोग नहीं करते हो ना तो गाइस आप लोग जरूर से यूज करो, बहुत ही ज्यादा गाइस आप लोगों को बेनिफिट मिलेगा। और इसके अलावा भी वन टैप हेडशॉट के बहुत सारे ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स है जो कि गाइस आप लोगों को नहीं पता है, तो गाइस देखो इस वीडियो में अगर 6000 लाइक्स कंप्लीट हो जाते हैं ना तो गाइस मैं इसका पार्ट 2 भी लाऊंगा। और गाइस देखो अगर आप लोग वन टैप हेडशॉट टिप्स एंड ट्रिक्स के ऊपर और भी वीडियो चाहिए मतलब इसका पार्ट 2 अगर आप लोगों को चाहिए ना तो गाइस आप लोग फटाफट कमेंट कर देना, और जो लाइक है मैं उसको भी गाइस आप लोग कमेंट कर देना, गाइस मैं वो वीडियो भी आप लोगों के लिए जल्दी से जल्दी ला दूंगा। और गाइस ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा गाइस मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना, गाइस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर से ऑन कर देना, अपने हर एक दोस्त के साथ ये वीडियो को प्लीज शेयर कर देना। और गाइस देखो अगर आप लोगों को सीएस रैंक पुश मिस्टेक्स के बारे में जानना है ना तो गाइस आप लोग फटाफट राइट वाली वीडियो देखो ही देखो।